बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरजाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुगल की। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 किलो गोश्त है बीफ का, अच्छी तरीके से मैंने धो के इसको खुशक कर लिया और ये चर्बी वाला होना चाहिए। और मैंने 4 कटे हुए टमाटर कर लिए, इसको छील के मैंने टमाटर काटे हैं। 2 चम्मच लहसुन है, मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है। आधी कटी हुई प्याज है, 6 हरी मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची है और छोटा सा पीस मैंने अदरक का काट के रखा है। अब हम इसको पकाने की तरफ। 2 चम्मच ये ऑयल है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच है ना ये तेल डाल रही हूँ, पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। गर्म हो जाएगा इसमें मैं प्याज डालूंगी। ये देखें घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका। अब इसके अंदर मैं ये कटी हुई प्याज और 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। ये देखें प्याज इस तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये गोश्त रखा हुआ धुला ये मैं डाल रही हूँ। ये देखें मैं सारा गोश्त डालने के बाद इसको 20 मिनट तक इसी में चलाऊंगी, अच्छी तरीके से भूनूंगी इसको मैं गोश्त। ये देखें 10 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए। अब इसके अंदर है ना बोटियों का कलर बदल चुका है। इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, नमक डालूंगी और अदरक लहसुन। ये देखें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और ये साथ में अदरक लहसुन डाल ली। अब इसको पूरे 20 मिनट भूनूंगी इसको मैं भी। जब 20 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें पानी डाल के फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। 20 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए, इसने अच्छी तरीके से घी छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ये टमाटर के मैंने पहले छिलके उतार लिए, अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी। और टमाटर डालने के बाद इसमें देखें मैं 1 गिलास भर के पानी डाल दूंगी और इसको फिर मैं बंद कर दूंगी। फिर इसको मैं 20 मिनट के लिए बंद करूंगी, क्यों ऐसे पतीले वगैरह में पकाओ तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और इसमें 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ये देखें इस पर ढक्कन लगा हो चुके हैं और ये ना पक्के तैयार हो चुका है नमकीन गोश्त। ये देखें मैं कढ़ाई ये खोल रही हूँ कुकर को। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत इधर से होती है। ये देखो और गोश्त है ना बिल्कुल गल के तैयार हो चुका है। ये देखें मैं 10 मिनट और भुनाई करूंगी। इसमें जो टमाटर वगैरह डाले सब इसके अंदर मिक्स हो गए। हम इसको मैं 10 मिनट और भूनूंगी। 10 मिनट भूनने के बबाद इसको उतार लूंगी और मेरे पास ये 3-4 हरी मिर्चें रखी हैं, 6 हरी मिर्चें रखी हैं, ये मैं डालूंगी। ये देखें 6 हरी मिर्चें डालूंगी मैं और इसमें डालते नहीं वैसे फिलहाल, मैं डाल दी, जिसको पसंद हो खा लेगा, नहीं पसंद निकाल देंगे इसमें से। और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई में ये काली मिर्चें बाद में डालूंगी एंड में। पूरे अच्छी तरीके से देख गोश्त बिल्कुल गल भी चुका और भुन भी चुका है। इसके अंदर हरी मिर्चें मैं खाली खुशबू के लिए डाली, वैसे इसमें डलती ही नहीं है। अभी 10 मिनट के लिए 5 मिनट और इसको हरी मिर्चें डाल के उसको चलाऊंगी। फिर इसको मैं बाउल में निकाल के ऊपर से काली मिर्चें डालूंगी और कुछ चुटकी के हिसाब गर्म मसाला। ये देखें मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करूंगी, इसमें ना हरी मिर्चों की अच्छी खुशबू आ जाए। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको अब इसमें बाउल में निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। ये देखें अच्छी तरीके से ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देख लें, ये देखें मैं इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ। ये खुशबू के लिए डाला मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमकीन गोश्त बनके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।